सरकार मैं बेगुनाह हूँ सरकार, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं सरकार, वो बेघर हो जाएंगे, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सरकार। भगवान तुम्हारा भला करे, डकैती डालने से पहले बच्चों का ख्याल नहीं आया? कार्रवाई करो इसकी। आप खान, भगवान तुम्हारा भला करे, मोहम्मद खान राजस्थान पुलिस। हाँ कब आए? जी इसी गाड़ी से आ रहा हूँ। आओ बाहर आके सामने बैठते हैं। कैसे आना हुआ भाई? बस आप ही की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और एक बहुत बढ़िया खबर लाया। क्या खबर? डाकू उजागर अपने कुछ साथियों के साथ फतेहपुर सीकरी आ रहा है। पक्की बात? इससे ज्यादा पक्की बात और क्या होगी हुजूर, कि ये खबर उसी के साथी पुरखिया ने दी है। मैं बोलो तू जाके पुलिस ने खबर कर दे कि डाकू उजागर सिंह सलीम चिश्ती करने जा रही है। किसके करने? अरे वो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है ना, वहां चादर चढ़ाने वास्ते। खबर है? सुबह होते ही आ जाना चाहिए हुजूर। दाता के नाम पर फकीर की झोली में कुछ डाल दे बाबा। माफ कीजिए, मैं एक गरीब खादिम चिश्ती हूं, मैं क्या दे सकता हूं। भगवान तुम्हारा भला करे, पहचाना नहीं? मैं हूं इंस्पेक्टर यादव। माफ कीजिएगा यादव साहब, मगर आप इस लिबास में? मुजावर साहब, अगर शहंशाह अकबर इस दरबार में नंगे पांव आ सकता था तो क्या हम फकीर के लिबास में नहीं आ सकते? बहुत खूब, मगर यादव साहब फकीरी तो दिल में होनी चाहिए, लिबास में नहीं। सही फरमाया आपने, मगर आज इस लिबास की खास जरूरत है मुझे भी और मेरे साथियों को भी। दरअसल मैं आपको आगाह करने आया हूँ कि वो उजागर डाकू आज दरगाह पे आ रहा है। डाकू यहाँ क्या लेने आएगा हुजूर? इस दरबार से जो उसे लेना था वो तो ले चुका, उसकी बीवी ने मन्नत मांगी थी, अब एक बेटे की माँ है, आज चद्दर चढ़ाने आ रहा है। दाता की नजर में सब एक है यादव साहब, क्या बेगुनाह और क्या गुनेगार। शायद ऐसा ही होगा, पर मैं तो इतना जानता हूं कि मेरी बीवी ने भी मन्नत मांगी थी, बेटा तो क्या मिलता,
बिन मां की बच्ची मेरे लिए छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। दाता के नाम से मायूस नहीं होते यादव साहब। आस भी क्या होगी मुजावर साहब जब बीवी नहीं रही। उसके रंग बड़े न्यारे हैं यादव साहब, जाने कब किस भेष में कर्म कर दे। कुछ लुटाने आए हैं तेरी निगाह पे सब, कुछ लुटाने आए हैं तेरी निगाह पे सब, कुछ लुटाने आए हैं तेरी निगाह पे सब, कुछ लुटाने आए हैं तुझे जो बाल दिया था निभाने आए हैं। कुछ लुटाने आए हैं
ना जाने माँ बाप के गुनाहों की सजा बच्चों को क्यों मिलती है? खुदा की बातें खुदा ही जाने। अब ये बच्चा बेसहारा है, यतीम है, दाता की देन समझकर इसे अपना लो। ये क्या कह रहे हैं आप? एक उन्हीं डाकू का बेटा। बड़ी पुरानी रवायत है यादव साहब, फरिश्ते के घर में शैतान पैदा होता है और शैतान के घर में फरिश्ता। मुजावर साहब, आपने बच्चे को घर तो दिला दिया, अब इसको नाम भी दे दीजिए। शहंशाह अकबर ने दाता के दरबार से बेटा पाया तो उसे दाता का नाम ही दे दिया, सलीम। पर उसके तो हजारों नाम हैं, इसे भी एक दे दो, किशन। कृष्ण? हाँ, किशन ही नाम अच्छा रहेगा। कृष्णा। कृष्णा रुको, कृष्णा कृष्णा बंद करो ये मारपीट, बंद करो। छोड़, क्या हो रहा था ये सब? सब जने चोर सिपाही खेल रहे थे, मैंने कहा मैं भी खेलूंगा तो मना कर दिया। क्यों? बोले सबके माँ बाप ने मेरे साथ खेलने को मना कर दिया है, मैं डाकू का बेटा, मेरा खून गंदा है। किसने बकवास की? बाबूजी, आप मुझे सच्ची बात क्यों नहीं बताते? क्या बेटे? क्या मेरा बाप डाकू था? और अगर डाकू था तो किसने मारा उसे? भगवान तुम्हारा भला करे। अब बेटे अभी तुम छोटे हो, वक्त आने पर सब बता दूंगा। कपड़े इतने गंदे कर लिए, अब दादी से भी मार पड़ेगी। इसे क्या हुआ? धूल में लेट रहा था क्या? जा, हाथ मुंह धो ले। क्या हुआ? मोहल्ले के लड़कों से मारपीट कर रहा था और क्या। डाकू का लड़का है, मारपीट नहीं करेगा तो क्या भजन कीर्तन करेगा? माँ, तुम भी ऐसा कहोगी तो दुनिया वालों की जुबान कौन रोकेगा? कहूंगी, 100 बार कहूंगी, गंदा खून गंदा ही रहता है। बस भी करो माँ। बाबू जी। बाबूजी, बच्चों को गोद में बिठा के क्या करते हैं? भूल हो गई बिटिया। कृष्णा। अरे, तेरे घुटने में तो चोट लगी है। माँ, रात को इसको हल्दी लगा देना। मैं कहती हूँ इसे गली में जाकर खेलने की जरूरत क्या है? अरे, स्कूल का काम है, घर का काम है, झाड़ू बर्तन है, साफ सफाई है, घोड़ी की मालिश है। सब काम करके ही गया था दादी माँ। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा जबान चलाएगा क्या? जा बाजार, जा आलू प्याज ले आ, और बैंगन अच्छे हो तो वो भी ले आना। हाँ, और सुन, जीवाराम बरिये क्या है, जाके कहना कि शक्कर नहीं आई अभी तक। अब तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है, जा मैं कहती हूँ। बाबू जी, मैं भी कृष्णा के साथ जाऊँ? तुझे जाने की क्या जरूरत है? जाने दो ना माँ, जा बेटी। हाँ? कृष्णा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं, तू वापस जा। मैं अपने पैरों से चलूंगी। चल मार मुझे। क्या कृष्णा, तू इतना बिगड़ता क्यों है? खुश होने की भी कौन सी बात है? है क्यों, ये तेरा घर नहीं है? घर? घर का नौकर ही तो हूँ मैं। अरे वाह, अपने घर का काम करने से कोई नौकर हो जाता है क्या? अपना घर? हाँ। घर नहीं तो क्या, बाबूजी तुझे कितना प्यार करते हैं, और मैं भी। तू और बाबूजी नहीं होते तो मैं कब का घर छोड़कर चला गया होता। क्या बात है माँ, बड़ा प्यार आ रहा है बेटे पर। तेरा अकेलापन देखा नहीं जाता शिवा, तू दूसरा ब्याह कर ले, मैंने एक लड़की भी देख रखी है, चांद का टुकड़ा है टुकड़ा। हाँ माँ, चांद का टुकड़ा है, चंपा की कली है, मिश्री की डली है, और कुछ? बात मजाक में टालने की कोशिश मत कर शिवा। अरे पहले पूछ तो सही कि लड़की कौन है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी तो पूछूं काहे को? दाड़ियल काड़ियल,
अरे वो मूछत्रा वाले परशुराम की पोती है। भगवान तुम्हारा भला करे चंचल। हाँ वही। अरे माँ वो तो उम्र में मुझसे कहीं छोटी है। अरे इतनी छोटी भी क्या है, और फिर मर्द तो साठे पे पाठा होता है। नहीं माँ मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करेगा तो इस घर का क्या होगा, मैं क्या सदा बैठी रहूंगी, मेरी आंखें बंद हुई तो बस, बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अब चुप भी करो माँ। चुप कैसे रहूं, वंश आगे चलाना है या नहीं, बेटी तो आखिर पराया धन होती है, एक दिन अपने घर चली जाएगी, वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए या नहीं। अरे अपना भगवान तुम्हारा भला करे, अपना कृष्णा है ना। कृष्णा, कृष्णा आगे वंश चलाएगा। अरे वो अपना खून थोड़ी है, हत्यारे का खून है, हत्यारे का। मैं नौकर समझकर उसे बर्दाश्त कर रही हूँ, वही बहुत है। तुम तो खाम खाम उसे कोसती रहती हो माँ। हाँ हाँ मैं पागल जो ठहरी, पर मेरी बात याद रखना, एक ना एक दिन ये गंदा खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। देख माँ परसों तो मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हाँ। अगली बार वापिस आऊंगा ना तब विचार करेंगे। हा? तू जा रे सो जा, और सोने से पहले दरवाजा बंद कर देना, गाय को सानी भी दे देना और घोड़ी को भी देख लेना, बेचारी बहुत तकलीफ में है। सो जा बिटिया सो जा। किशन बेटे बाबूजी, घोड़ी। क्या हुआ घोड़ी को? अपनी किशोरी ने बच्चा दिया। अच्छा ये देखो बाबूजी। अरे वाह किशोरी, तुमने तो कमाल कर दिया, बड़ा प्यारा बच्चा है ना, बड़ा सुंदर है ना बाबूजी। आप इसका नाम पवन रखिएगा, हवा की तरह भागेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका नाम पवन ही रखेंगे बाबूजी। अब मुझे ना गली के लड़कों के साथ खेलने की जरूरत है और ना दोस्ती करने की, मेरे साथ खेलने वाला दोस्त आ गया। क्यों है ये वर्दी, जचती नहीं मुझे? जचती है, बहुत जचती है। मालूम है तुम कैसे लगते हो, जैसे बंजी चाचा के खेत में पुतला खड़ा रहता ना परिंदे डहराने के लिए। कृष्णा क्या हो रहा है ये सब? बाबूजी मैं साफ सफाई कर रहा था तो ये। जानते हो ये पुलिस की वर्दी है, तुमने इसे पहनकर बहुत बड़ी गलती की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। भूल हो गए बाबूजी, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। सजा के लिए तैयार हो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें पुलिस स्कूल में भर्ती करा दिया जाएगा, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा जब तक तुम पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं निकलते, समझे? ए
इस ट्रेनिंग स्कूल में जो भी तुम्हें सिखाया जाएगा वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कृष्णा, ये तेरा स्कूल कैसा है रे? बरसों में छुट्टी ही नहीं हुई। बाबूजी ने दादी माँ के स्वर्गवास होने की खबर तो दी ही होगी। बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, कहते हैं ये तुम्हारी नई माँ है, हालांकि माँ जैसी कोई बात नहीं उसमें। कृष्णा, घर कब आओगे? कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शानदार कामयाबी की खुशी बांटने के लिए तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? जी नहीं। मुझे बताया गया है कि तुम शिव कुमार यादव के बेटे हो। जी हाँ। बुरा मत मानना बेटे, शिव कुमार जी मेरे साथ काम कर चुके हैं। जहां तक मैं जानता हूं उनका कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी है। आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं यादव साहब का बेटा नहीं हूं, मैं यतीम हूं। गौरी, अरे कृष्णा, बाबूजी तुझे कैसे बताऊं, तेरे अव्वल नंबर आने की, तेरे गोल्ड मेडल की मुझे कितनी खुशी हुई है। चाहता तो बहुत था मैं उस वक्त वहां मौजूद हूं जब तुझे गोल्ड मेडल मिल रहा था, लेकिन अचानक बीमार हो गया इसलिए नहीं आ सका। तुझे बुरा तो नहीं लगा? नहीं बाबूजी, बुरा क्यों लगता? अच्छा, गौरी से मिला कि नहीं? तुझे हर पल याद किया करती थी वो, इतनी सी थी जब तू छोड़ के गया था उसे। अब इतनी सी बच्ची कहाँ है बाबूजी, अब तो एक सुंदर स्त्री में बदल गई है। अरे पगले, ये गौरी नहीं है, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी बीवी है। भूल हो गई बाबूजी, क्षमा चाहता हूं। बाबूजी, गौरी कहां है? शायद बाजार गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। बाबूजी, मेरे बचपन का कमरा तो है ना? बेटे वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गए थे। मैं अपना सामान रखकर आता हूं, मेरा कमरा मेरा इंतजार कर रहा होगा। जाओ। पहचाना? अब ठीक है। लो अब हंसो। हाथ नीचे करो, अब खेत में खड़े रहोगे तो परिंदे डरेंगे नहीं, कंधों पर आकर बैठ जाएंगे। बस बस गौरी, अब और मत बना मुझे। बोल, तू कैसी है? बस ठीक ही हूँ। तो इसी कमरे में रहती है? नहीं, काम करते करते जब बहुत थक जाती हूँ ना तो तुम्हारे कमरे में आके लेट जाती हूँ, बड़ा आराम मिलता है। ये सब तू क्या कर रही है गौरी, ये तेरा काम है? मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा? गौरी, मैंने जब जब तुझे सपने में देखा, रानी के रूप में देखा, और अब तू यहाँ नौकरानी के रूप में। नौकरानी को रानी होते देर नहीं लगती, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ दो कृष्णा।
नहीं कृष्णा, ये तुम्हारा काम नहीं, तुम तो एक पुलिस अफसर हो, और ये मजबूत बाजू इस घटिया काम के लिए नहीं बल्कि। अरे वाह, सारा कुनबा यहाँ इकट्ठा हो गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। कृष्णा, सरकार ने तो तुझे इनाम दिया ही, मैं भी तुझे कुछ देना चाहता हूं, देखेगा? एक मिनट। ये रहा तेरे बचपन का दोस्त पवन, ले लो भाई। पवन, कैसे रहे तू दोस्त? बाबूजी चितरो, अपने दोस्त से मिलो। गौरी चल चलें। अंदर ही अंदर मर रही हूँ, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। क्या बोल रही है तू? ऐसी क्या तकलीफ है तुझे? गौरी तुझे मेरे सर की कसम। अच्छा बताते, पहले अपना मुंह दर करो। अच्छा बाबा, ले अब बोल। तुम हंस रहे हो? अरे बावली, तू जिसे मरने की बात कह रही है वो सचमुच जीने की बात है, एक नया जीवन बनाने की बात है। क्या मतलब? मतलब ये, बचपन पीछे रह गया, अब तू जवानी के राज में है, औरत तो है ही, अब तू माँ भी बन सकती है। माँ? ज्यादा तो नहीं जीऊंगी पगली। गौरी तू खामोखा घुटती रही, किसी से बात कर ली होती? तेरे से वो और किससे बात करती? बाबूजी से तो कुछ कह नहीं सकती थी, और वो नहीं माँ, मुझे नौकरानी के सिवा और कुछ नहीं समझती। बहुत बुरा सलूक करती है वो। मैं तो सब कुछ सह सकती हूँ, मगर वो बाबूजी के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करती। अच्छे तो बस गिरीवर माथुर के साथ। वो कौन है? आए दिन घर आया रहता है, पुलिस थाने में अफसर है। ओ, शाबाश। नमस्कार यादव साहब, आइए आइए, भगवान तुम्हारा भला करे। माथुर साहब बैठिए। अरे भगवान, इनके लिए भी लस्सी ले आओ। अभी लाई। खाम खा आपको तकलीफ देता रहता हूँ यादव साहब, दरअसल आपकी बातों से मन ही नहीं भरता। अजी हम क्या और हमारी बातें क्या। ये लीजिए। अरे आप तो इतना सारा मक्खन डाल के ले आई लस्सी में। मक्खन के बिना लस्सी सुहागन नहीं होती। हाँ तो यादव साहब, कल आप डाकू तोरा के बारे में बता रहे थे, जिसको आपने सराय के पीछे मार लिया था।
हाँ बेचारा, बड़ी लंबी चौड़ी फाइल थी उसकी। शुरू हुआ था पड़ोसी की बेरी से बेर चुराने से, वो भी बचपन में। सच पूछिए यादव साहब, तो चोरी के बेर होते बड़े मीठे। हाँ पर वो तो बढ़ता ही है साहब, बेर से नकदी तक, नकदी से सोने चांदी तक, और फिर खून डाका जनी। पर जिस दिन मेरा सामना हुआ, मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे तोरा। आप तो चोर डाकुओं से भी कहते रहते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे। अरे भगवान तुम्हारा भला करे गिरीवर, अब तो आदत पड़ गई है। अरे आओ आओ कृष्णा, कहाँ चले गए थे? बस यूं ही बाबू जी। कृष्णा आप कौन है? अरे आप इससे नहीं मिले, ये कृष्णा अभी अभी ट्रेनिंग स्कूल से गोल्ड मेडल लेकर आया है। अच्छा 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 अच्छा, आइए बैठो ना। मगर आप इसे लेकर कहाँ घूम रहे थे जी? अरे भगवान तुम्हारा भला करे, अरे भाई कृष्णा और गौरी तो बचपन से साथ खेले। अरे यादव साहब मैं गौरी की बात नहीं कर रहा था, पवन की बात कर रहा था। ओ पवन भाई, वो तो हमने कृष्णा को इनाम में दे दिया। अच्छा मगर इस पर तो हमारी नजर थी। अब आप अपनी नजरें हटा ही लीजिए तो अच्छा होगा। आपकी तारीफ। कृष्णा आप हैं सब इंस्पेक्टर गिरिवर माथुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी, मुबारक हो पास होने की मेडल की और पवन की भी। शुक्रिया। मगर एक बात याद रखिए, जिस तरह एक अच्छे सवार को अच्छे घोड़े की तलाश होती है, उसी तरह एक अच्छे घोड़े को अच्छे सवार की भी तलाश होती है। ठीक कह रहे हैं आप, मगर मेरे घोड़े के लिए सवार की तलाश मुझ पर आकर खत्म हो गई। ओहो अब बस भी कर गौरी, थक गई होगी, कल सुबह भर लेना पानी। हुँ? ये अचानक ममता कहां से जाग उठी? माँ की ममता को तू क्या समझेगी? अच्छा सुन, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं राखी लाई हूँ और मिठाई। सुबह सवेरे नहा धोकर सच्चे मुंह भाई को राखी बांधना और मुंह भी मीठा करवाना। गौरी ले, कृष्ण नहाकर आता ही होगा, उसे राखी बांध देना। हुँ? ले 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 ना। ये क्या किया तूने? कमबख्त हाथ जला ली। ये क्या, तेरे हाथ कैसे जल गए? बोलो ना। जले नहीं, मैंने जला लिए। क्यों? गौरी, गौरी क्यों? कल रात जब उसने मुझसे कहा कि कृष्णा को राखी बांधना, तो मुझे ऐसा लगा क्यों मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। और तुमने अपने हाथ जला लिए? सारी जिंदगी जला देने से तो हाथ जलाना अच्छा है ना कृष्णा? हाँ
क्या मांगा भगवान से? जो दिल ने चाहा। क्या चाहा दिल ने? नहीं बताती, जाओ बताओ ना, बताओ ना। अंगड़ाई बता रही है कि वक्त हो गया। कैसा वक्त कुरैशी मियां? अम्मा हुजूर जाने का और कैसा? कहां? वहीं, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। अम्मा आप तो शेरो शायरी करने लगे। देखिए हुजूर, इश्क और शायरी का चोली दामन का साथ होता है। मेरा मतलब है आप इश्क फरमाते रहिए, बंदा शायरी करता रहेगा। कहां का इश्क कुरैशी मियां, ये तो दिल बहलाने का एक बहाना है। पर बहाना है खूबसूरत, मेरा मतलब है बूढ़े यादव साहब की जवान बीवी। पान खाइए उधर। हमारी नजर का असली निशाना उनकी बीवी नहीं, बेटी है। ऐसा हुस्न कि आशिक की नजर से भला हो जाए। क्या बात कही है हुजूर ने, पर मैं तो समझा था कि आप कुछ नहीं समझेंगे कुरैशी मियां। आइए हम आपको समझाते हैं। देखो मियां, जब पेड़ से फल तोड़कर खाना होता है ना, पहले उसके पौधे को सींचना पड़ता है, फिर उसके जड़ों को पानी देना पड़ता है। क्या समझे? कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। जी अरे ये सब क्या है, कहाँ जा रहे हो? फतेहपुर सीकरी जा रहा हूँ बाबूजी। फतेहपुर सीकरी? मेरी पोस्टिंग आ गई है, कंबक पोस्टमैन चिट्ठी ही लेट लाया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब भाई इतनी जल्दी भी क्या है? कल सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है और गाड़ी जाने में 10 मिनट ही बाकी हैं।
कृष्णा, कृष्णा तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना बाबा जी। बेटे बात फतेहपुर सीकरी की है। जिस वक्त मैं वहां तैनात था, एक रोज भगवान तुम्हारा भला करे, राजस्थान पुलिस का एक आदमी आया। उसने बताया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा मतलब। अरे कृष्णा कहाँ जा रहे हो? पोस्टिंग पे जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। अच्छा गौरी। जी तो बेटे। तुम जल्दी में चले आए, पवन से मिले भी नहीं। पवन से? और किससे? करी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पाता। चलता। कब लौटोगे? मैं जल्दी लौटूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, तुम भी लिखना। तुम कहोगे कि आते ही आग में झोंक दिया, पर आज सुबह खबर मिली है कि पुरकिया के दो साथी इस इलाके में देखे गए हैं। पुरकिया का नाम तो तुमने सुना ही होगा। जी सर, पुरकिया डाकू, जिसकी तलाश पुलिस को कई वर्षों से है। और न कभी वो मिला न उसका कोई साथी। अब तुम्हें कैसे बताऊं ऊपर से कितना दबाव आता है उसे पकड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूँ सर। चांस यही है कि उसका अगर कोई साथी हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि तुम उन दो हत्यारों की तलाश में निकल जाओ। करमदीन को साथ ले लो, ये पूरे इलाके से वाकिफ है। ठीक है सर। नहीं सर, ये तो हमारा खबरी है।
करमदीन क्या हुआ? सर अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है, ऐसे करो तुम वापस चले जाओ, मैं अकेले निपट लूंगा। सर अगर मैं वापस चला गया तो तुम अकेले और फिर रात भी होने वाली है। मेरी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा, तुम वापस जाओ। ठीक है सर। थानेदार साहब आप? नमस्ते। नमस्ते माझी। माझी मैं एक पुलिस अफसर हूँ, काम से बाहर निकला था, रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया, रात काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था, आपके घर की रोशनी देखी तो मैं। बेटी इस घर में तो कोई रोशनी नहीं थी, तुमने आकर माँ जी कहा तो इस अंधेरे घर में रोशनी हो गई। अंदर आ जाओ बेटा, ये मेरी पत्नी है पार्वती, आओ अंदर आ जाओ। पार्वती जी खाना परोस दो। हाँ जी। बेटा हम दोनों खाना खाने बैठने वाले थे, अब तुम आ गए, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं माँ जी मुझे जरा। अरे पगले, खाने के समय तो भाग्यवान के घर मेहमान आता है, और मेहमान जब बेटे जैसा हो तो बैठो। बैठो बैठो। हे ईश्वर, नहीं बस मैं। अरे बेटा खाओ खाओ, सुबह से भूखे होगे, पेट भर के खाओ, खाओ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्णा। कृष्णा बेटा क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। सोच रहा था कि घर ना तो चार दीवारों का नाम है और ना उन चार दीवारों के अंदर रहने वालों का, घर तो उस प्यार का नाम है जो हवाओं में खुला हुआ है। माझी मैं जरा अपने घोड़े को देख लूं और वहीं सो जाऊंगा। अरे बाहर क्यों बेटा, तुम यहाँ अंदर चारपाई पे सो। अच्छा ठीक है मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। नीचे तो मैं सोऊंगी, मुझे आदत है सोने की। अरे माझी आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ सोएंगी? सुना है माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है, मैं एक रात स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा जीते रहो। चार दिन मजा ले ले बच्चों, हमें पकड़ने के लिए तुझे शाबाशी भी मिलेगी और तरक्की भी, पर याद रख हमारे साथी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे यार बच्चा समझ के डरा रहे हो, ऐसा मत करो भाई। मेरे अपने कैसे हो तुम,
मैं तो वैसी ही हूँ जैसी सदा से थी। मैं भी वही हूँ और मेरा सपना भी वही है। फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है, कहते हैं वहां सबकी मुरादें पूरी होती हैं। तुम मेरे नाम से धागा बांध देना, सपना सच होने पर मैं चादर चढ़ाकर धागा अपने हाथों से खोलूंगी। तुम्हारी गौरी। डाकू जागर सिंह, इंस्पेक्टर यादव। आप इस वक्त किसी चोर चक्के की तलाश में आए हैं? चोर चक्के इस दरगाह पर नहीं आ सकते क्या? हुजूर, इस पाक जगह में उनका क्या काम? आज से 20 बरस पहले उजागर नाम का डाकू तो यहाँ आया था। जी जी हाँ, आया था। अपनी बीवी और बच्चे को लेकर चादर चढ़ाने आया था और वापसी में पुलिस के हाथों मारा गया था। जी हाँ, उनकी बीवी तो सीढ़ियों से गिरकर मर गई, मगर वो खुद पुलिस अफसर के हाथों मारा गया। और उस पुलिस अफसर का नाम था शिव कुमार यादव। जी हाँ, मुझे कल की तरह याद है। मगर यादव साहब भी अल्लाह रखे गजब के आदमी थे। जिस डाकू को उन्होंने अपने हाथों से मारा, उसी के यतीम बच्चे को अपना बेटा समझकर गले से लगा लिया। यतीम बच्चे को आप यकीन से कह सकते हैं? हुजूर, मुझे ही तो बच्चे को नाम देने को कहा था और मैंने ही नाम दिया था, कृष्णा। आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मौसम बदलते हैं, दिन रात बदलते हैं, पर लोग, अरे नहीं रे, बदल भी सकते हैं। बिल्कुल अपनी दादी माँ पर गई है, वो भी अपने आप से बातें किया करती थी। बोल, क्या हुआ है तुझे? कुछ भी तो नहीं बाबूजी। क्या बात है, बता। हाँ बाबूजी, वो कृष्णा लगता है सुबह आया था, उसका सामान कमरे में पड़ा हुआ है, ना जाने कहाँ चला गया, मिला भी नहीं। कमाल है, भगवान तुम्हारा भला करे, आया और किसी से मिला भी नहीं। मैं भी कैसे दीवानी हूं, जाने कहां कहां ढूंढा तुम्हें। इतना भी नहीं सोचा अगर कृष्णा कहीं ना मिले तो इस जगह जरूर मिलेगा, याद है ना? कृष्णा, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरी तुम्हारी नजरों से उतर गई हो? कैसी बातें करती हो गौरी? तो फिर बताओ ना, बदले बदले से क्यों हो? क्या दुख है तुम्हें? ना ही जानो तो अच्छा है। नहीं जानूंगी तो फिर बांटूंगी कैसे? गौरी तो तुम्हें वो बात भी बता दे जो लड़कियां चांद और सूरज से भी छुपाती हैं, और तुम गौरी। मुझे फतेहपुर जाकर पता चला कि मेरे माँ बाप मेरे पैदा होने की खुशी में दरगाह पर चादर चढ़ाने गए थे और वहीं मर गए।
माँ सीढ़ियों से गिरकर और बाप एक पुलिस अफसर के हाथों। जानती हो पुलिस अफसर कौन था बाबूजी? कृष्णा, कहीं तेरे मन में बदले की भावना तो नहीं जागी? ना तो मैं पत्थर हूं और ना ही देवता। खून तो आवाज देता ही है, मगर सोचता हूं कि बदला लूं तो किसे लूं। एक बार पाप खो दिया, दोबारा खोना नहीं चाहता। दुख तो है बस इस बात का कि बाबूजी ने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं। सोचा होगा जानकर तुम दुखी होगे। नहीं, उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे खून पर विश्वास नहीं था। ऐसा ना कहो कृष्णा। मेरे कहने ना कहने से क्या होता है? जो सच है वो सच है। सच तो एक ही है कृष्णा। क्या? गौरी की आंखों में झांक कर देखो, जो पाओगे वही सच है। चंचल, चंचल जी, हम लोग बाजार तक होकर आते हैं। अच्छा जी। कृष्णा, ओ कृष्णा, जरा जल्दी से यहाँ आ। तो क्या बात है? अंदर आओ ना। जरा मेरा ब्लाउज का बंधन तो बांधना, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। जी बांध देना, बंधन ही तो है, बांधना। हाथ क्यों कांप रहे हैं? बच्चे तो नहीं हो? मैं समझा नहीं। आंखों की भाषा नहीं समझते? कृष्णा, मेरी आंखों में झांक कर देखो, प्यासी जवानी तुमसे प्यार का अमृत मांग रही है। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ दीजिए, भगवान के वास्ते छोड़ दीजिए। आप बाबूजी की पत्नी हैं। मैं तो तेरे बराबर की हूँ कृष्णा। मैं आपसे बाबूजी की इज्जत की भीख मांगता हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। किसकी इज्जत का वास्ता दे रहे हो कृष्णा? जिसने तुम्हारे माँ बाप को मार डाला, तुम्हारी दुनिया तबाह कर दी। बदले की आग में तेरी आंखों में देख रही हूँ कृष्णा, उसकी दुनिया तेरे सामने है, लूट ले। कृष्णा, तूने मेरा प्यार नहीं ठुकराया, अपनी जिंदगी ठुकराई है। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। अरबी तो ले ली बाबूजी, लेकिन आजकल उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। आप पता नहीं क्या हो गया उसे। आपको तो मालूम होना चाहिए, वो फतेहपुर सीकरी। भगवान तुम्हारा भला करे, तू भी जानती है। जी। वो जिस दिन फतेहपुर सीकरी तैनात हुआ था, मैं तो उसी दिन डर गया था। पर आपने उसे बताया क्यों नहीं बाबूजी? कोशिश तो बहुत की, लेकिन
कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी हिम्मत ने। पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप उसे बात कर लीजिए, उसे अपने आप से बचा लीजिए बाबूजी। बात करनी ही पड़ेगी बेटी, कहीं ऐसा ना हो कोई गलत काम कर बैठे। आज अरबी की तरकारी बनाना। अच्छा बाबूजी। कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है। ये ले। चल, ये क्या हुआ? अरे रोती रोगी है, मुझसे कुछ बोलोगी भी? चल, 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 ये तुम्हारी हालत किसने बनाई? किसने बनाई तुम्हारी हालत? बोलो, आप दो बोलती क्यों नहीं? बोलो। कृष्णा। क्या कृष्णा? क्या कृष्णा? कृष्णा से पूछो। कृष्णा, कृष्णा, गले लगा लूं अपने लाडले को जिसने मुझे घर में अकेला पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहिए, मेरे इनकार करने पर मेरी ये हालत बना दी। ये क्या कह रही हैं आप? वही जिसे सुनकर खुद शैतान को भी शर्म आ जाए, मगर एक डाकू की औलाद को शर्म नहीं आएगी। जब से उसे पता चला है कि उसका डाकू भाव आपके हाथों मारा गया था, कमीना, बदले की आग में जल रहा था, जलील कुत्ते, क्या यही रास्ता मिला था बदला लेने का? ये सब झूठ है बाबूजी, ये सब झूठ है, मैं सच कह रहा हूं बाबूजी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सब झूठ है, मैं सच कह रहा हूं बाबूजी, मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, ये सब झूठ है बाबूजी, मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी। मेरी बात याद रखना, एक ना एक दिन ये गंदा खून अपना रंग जरूर दिखाएगा। बाबूजी, खबरदार जो मुझे बाबूजी कहा, मां ठीक कहती थी, गंदा खून एक दिन अपना रंग जरूर दिखाएगा। मैं अपनी मरी हुई मां की कसम खाकर कहता हूं ये सब झूठ है बाबूजी। ये झूठ है तो फिर सच क्या है? सच कहूंगा तो मेरी जुबान जल जाएगी बाबूजी। तेरी जुबान नहीं, तेरा अंग अंग जलेगा। शाम के बच्चे को क्या किया इसने? क्या किया है? कहते हुए जुबान जलती है, पूरी इंसानियत को मां की गाली दी है इसने। ये क्या कह रहे हैं आप? चंचल मां समान होती है इसकी, उस गरीब की इज्जत पर। ओ शरीफ साहब, कुछ कहना है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं, बोलो। शायद जबड़ा लॉक हो गया तुम्हारा, मैं खोल दूं। कार्रवाई करो इसकी।
आप घर जाइए यादव साहब, मैं सब संभालूंगा। कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। चार दीवारी में ही घुमा करो, बाहर तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। क्या कहना चाहती हो तुम? वही जो तुम जानकर अनजान बन रहे हो, पूरी नगरी उस डाकू के औलाद के साथ गौरी का नाम जोड़कर लांछन ला रही है। नाम न लो उसका, दुनिया का क्या, दुनिया तो बकवास किया ही करती है। बकवास नहीं, ये सच है। मेरी मानो तो जल्द से जल्द शादी कर दो उसकी। शादी? शादी तो मैं उसकी कली कर डालूं, लेकिन लड़का भी तो मिलना चाहिए। लड़का ढूंढने दूर कहां जाना है, गिरिवर से कर दो। ये तुम फैसला सुना रही हो या सलाह दे रही हो? तुम्हारे होते हुए मैं कौन होती हूँ फैसला करने वाली, पर गिरिवर में कोई बुराई है क्या? नहीं, गिरिवर अच्छा लड़का है। तो कर लो बात गिरिवर से। मैं ये शादी नहीं करूंगी बाबूजी। क्या बक रही हो तुम? वही जो आपने सुना। बाप के सामने जबान चलाते शर्म नहीं आती बेशर्म? मुझे बेशर्म कहने से पहले अपने अंदर झांक कर देखिए, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। बदतमीज, ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रही हो। मेरी मां मर चुकी है बाबूजी। चिंता मत करो, मैं कल ही गिरिवर से बात करता हूं। रहने दो कुरेशी, आज साहब ये खाना नहीं खाएंगे, मेरे दफ्तर में बैठकर मेरे साथ खाएंगे। ले आओ ने। जी साहब। आइए आइए बैठिए। लीजिए, पहले मुंह मीठा की। अरे भाई खाओ, आखिर आप हमारे पुराने साथी हैं, हमारी खुशी नहीं बांटोगे? खाइए ना। ओ, मैं तो भूल ही गया था, हथकड़ी लगी है आपके हाथों में। चलो कोई बात नहीं, हम आपको खिलाते हैं। अब ये नहीं पूछोगे कि खुशी क्या है, कल हमारी शादी है। अच्छा, दुल्हन का नाम नहीं पूछोगे? भाई सुनकर मजा आ जाएगा, उसका नाम है गौरी। मुबारक नहीं दोगे हमें? कहे तो आपकी मुबारकबाद गौरी तक भी पहुंचा दो, बहुत खुश होगी वो। कोई तोहफा या प्रेजेंट वेजेंट गौरी तक पहुंचाना हो उसका भी बंदोबस्त हो सकता है। तोहफा? तोहफा तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, मगर मजबूरी है, एक भी हाथ खुला नहीं है मेरा। कुरेशी, जरा हथकड़ी खोल दो मियां, हम भी देखें कि ये कौन सा तोहफा देना चाहते हैं। ये अपना तोहफा।
बदतमीजी का मजा हम आपको चखा सकते हैं, मगर आपको छूकर हम अपने हाथ मैले नहीं करना चाहते, क्योंकि कल इन्हीं हाथों से गौरी के कोमल हाथों को थामना है। कृष्णा, गौरी, कृष्णा, मेरी शर्... कुछ कहने की जरूरत नहीं गौरी, मैं सब सुन चुका हूँ। क्या सुन चुके हो तुम? यही कि कल तुम्हारी शादी गिरिवर माथुर से कर दी जाएगी। गिरिवर यह खबर मुझे खुद देने आया था और मुबारकबाद की भीख मांग रहा था। अगर यहाँ पड़े पड़े तुम्हें खबरें ही सुननी है तो एक और खबर सुन लो, जिसकी खबर गिरिवर को भी नहीं। कल जब वो मेरी डोली लेने आएगा तो डोली नहीं, मेरी लाश ले जाएगा। गौरी, गौरी, गौरी। कन्या को बुलवाइए, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। बारात आ गई है, जल्दी से तैयार हो जा। तेरी डोली नहीं जाएगी तो तेरे पिता की अर्थी निकल जाएगी। पवन, चल मेरे दोस्त। गिरिवर को मंडप में बैठे हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मौत मेरा इंतजार कर रही है, और जब मैंने तुम्हें घोड़े पे आते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी मेरे नजदीक आ रही है। थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। वहां से चलो, गिरिवर।
हाथ रखा जाओ, ढूंढ निकालो से। हाँ। गौरी, मैं जब तक लौटू नहीं तुम यहीं छुपी रहना। जिसे वो उठा कर ले गया है वो सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, गिरिवर माथुर की दुल्हन भी तो है। माँ के दूध की कसम, उसे पकड़कर जरूर लाऊंगा, चाहे मेरी जिंदगी का आखिरी कदम क्यों ना हो। कृष्णा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे अपने साथ ले आए हो। हाँ, ले तो आया हूँ, पर विश्वास से कह नहीं सकता अच्छा किया या बुरा। क्यों? हमारे देश में जब किसी के यहाँ बच्ची पैदा होती है तो भगवान उस घर की इज्जत उस बच्चे की झोली में डाल देता है, और तुम्हारे बाबूजी। तो अगर मैं उस आवारा के पल्ले बन जाती तो बाबूजी की इज्जत बढ़ जाती क्या? शायद नहीं, पर गौरी, शादी शादी होती है। अब दुनिया वाले यही कहेंगे कि बाबूजी की बेटी किसी के साथ भाग गई। बाबूजी को दुनिया की परवाह हुआ करे, तुम्हें हुआ करे, मुझे नहीं है। जानते हो मेरी दुनिया कितनी बड़ी है? बताओ। बताओ। इतनी बड़ी, तुम मेरे पास हो, मेरी दुनिया मेरे पास है। कृष्णा, पगली कहीं की, देख इस दुनिया के लिए ना सही, अपने लिए ही सही, अपने होने वाले बच्चों के लिए सही, पर शादी तो करनी होगी ना। तो देर क्या है, मैं शादी का जोड़ा पहने हुए हूँ और तुम हर हाल में बहुत अच्छे लगते हो। अरे मगर पंडित तो चाहिए, मंत्र कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी, मुझे आता है मंत्र। और नहीं तो क्या, सुनो, अहम त्वम, अहम त्वम, त्वम अहम एक वस्तु। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुडं ध्वजा, ओम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे भगवान, सुनती हो? अरे अपना कृष्णा आया है, कृष्णा। ये देखो अपना कृष्णा। कृष्णा, पायला कृष्णा, जीता रहे बेटा, जीता रहे। कृष्णा माँ जी, सदा सुखी रहो बेटा, आज तो मैं भगवान से कुछ और भी मांगती तो। ये गौरी है माँ जी, आपकी बहू, पैर छुओ। जीती रहो बहू, जीती रहो, सदा सुखी रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो बेटी। बहू, हमारी बहू, आओ आओ। बैठ जा, बैठ जा। ए राम,
बहू तो बहुत सुंदर है। अच्छा ये तो बताओ बेटा, शादी कब हुई, कहाँ हुई? बहुत लंबी कहानी है माँ जी, बस अकेले मंदिर में कर ली। अरे पगले, यहाँ आकर घर पे करता तो मैं 100-100 शगुन मनाती, सारे रीति रिवाज पूरे करती। अरे भगवान, अब भी क्या बिगड़ा है, बहू घर में आ गई है, सब शगुन कर ले, पूरे रीति रिवाज कर ले, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर, तब तक हम बाप बेटा दोनों अपनी अपनी राम कहानी सुनते सुनाते हैं। आजा बेटा आजा। मेरी प्यारी बहू, ये सब क्या हो गया बेटा? पुलिस का इतना बड़ा अफसर अब चोर डाकुओं की तरह भागता फिर रहा है। भगवान ने एक बेटा दिया था वो भी। चाचा मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ भी छुपाया नहीं। शादी तो हमसे छुप कर कर ली ना, ये खुशी तो हमसे छीन ली। पर बहू को तो घर पे ही लाया हूं ना। और अब तो तू भी यहीं रहेगा ना हमारे पास है? नहीं चाचा, पुलिस के आदमी पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे होंगे, यहाँ रहा तो आप ही तकलीफ में आ जाएंगे। अरे बेटा तू हमारी फिक्र मत कर, और तूने कुछ जुर्म थोड़ी किया है। वो तो आप समझते हैं ना चाचा, उन लोगों ने तो गौरी के बदन पर पड़े जेवर चुराने का FIR भी दर्ज करा दिया होगा। ये जेवर तो हर हाल में मैं उन्हें वापस करके आऊंगा। पर कैसे बेटा? कोई ना कोई रास्ता तो निकालूंगा। क्या है ये? शबनम। शबनम शबनम है तो जाकर फूलों पर गिरे, कांटों पर क्यों? ये दुल्हन के बालों से गिरी हुई शबनम है, कांटों पर भी गिरती है तो फूल खिलते हैं। अच्छा जरा देखूं तो सही, ये फूल खिलते कैसे हैं? अभी नहीं। अरे पहले उठ के नहा लो, मैंने तो मुंह अंधेरे नहा लिया था। कहाँ? चलो। वो देखो सुंदर जगह है ना। सुंदर है। जन्म जन्म
अरे ये तो वही थानेदार है जिसने हमारे दो साथियों को पकड़ा था। ले चलो इन्हें दद्दू के पास। ये हमारा खबरी था।
पुलिस का कुत्ता होवे तो बच जावे, पुलिस का खबरी कोना बचे, विश्वास ना होवे तो मक्कड़ ने पूछ लो। क्यों मक्कड़? मैं बोलो कौन है ये छोरी, थारी लुगाई है के? मैं बोलो छोरा तो एकदम सीधा लगे, इनने किया पकड़ ले आया? इसकी चिकनी सूरत पे न जाओ दादू, ये फतेहपुर वाला वही थानेदार है जिसने अपने दो आदमी पकड़े थे। ओ, मैं बोलो फिर तो सीधा कोनी, हमारे दो आदमियों को पकड़ने वाला तो काम का आदमी होवे, पुलिस का आदमी जो हमारे लोगों की जान के पीछे था, अब पुलिस का कुत्ता उसके पीछे है। ए छोरा, मैं बोलो सब छाड़ दे, मारे गन्ने आ जा। नहीं, कभी नहीं। तू दादू के हुक्म को ना बोले छोरा। तुम चाहते हो मैं तुमसे मिल जाऊं ताकि मेरा बचाव करने के बहाने तुम किसी दिन मुझे पुलिस की गोली के सामने रख दो। क्या बकेया छोरा, जवान ने लगाम दे। क्यों, उजागर सिंह का नाम भूल गए? उजागर सिंह पुलिस की गोली से नहीं मरा, तुमने मरवाया उसे, तुमने। उजागर सिंह का नाम फतेहपुर के थाने की फाइलों में लिखा है? हाँ? नहीं, उसका नाम यहाँ लिखा है। वो मेरा बाप था। उजागर को बेटो? मैं बोलो फिर तो और भी अच्छा होवे, लोहार को बेटो लोहार, सुनार को बेटो सुनार, और डाकू को बेटो। मैं बोलो पुलिस में थारा के काम, आजा मारे कन्ने। नहीं, मैंने कानून का दामन पकड़ा है, मरकर ही ये दामन छोड़ूंगा। दादू ये देखो। ला मारे कन्ने। नहीं, तारा माथा फिर गया के छोरे, डाकू को सोना लेने से मना कर रहा है। ये हमारे जेवर नहीं है, किसी और की अमानत है, हमें इसे लौटाना है। मैं बोलो जिसकी अमानत थी उसको मिल गई, छोड़ दे। खबरदार, सब लोग अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो, वरना मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। हथियार डाल दो। लाओ जेवर मुझे दो। बंदूक के घोड़े से हाथ हटा दे छोरा, ये मारा भाई है। भाई है? मैं बोलो फिर तो और भी अच्छी बात है, चलो। पीछा करेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी जान बच गई। जान तो बचनी ही थी, पुलिस वाला जो तुम्हारे साथ है। एक पुलिस वाला कब तक मुसीबतें झेलता रहेगा? ये जेवर ही सारी मुसीबतों की जड़ है, जब तक इन्हें मैं बाबूजी के पास वापस नहीं करूंगा कोई ना कोई मुसीबत तो खड़ी ही रहेगी। तो जाता हूं, कैसे भी इन्हें वापस करके आऊंगा, तुम यहीं रहना। ठीक है,
मगर जल्दी आ जाना, मैं अकेली हो जाऊंगी। अंधेरा आने से पहले लौटाऊंगा, तब तक ये तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये और मैं चलाऊंगी? भूल गई, पुलिस वाले की बीवी हो। रहना, मैं भी आता हूं। क्या हुआ? कुछ लोगों ने कृष्णा को बाजार में घूमते हुए देखा। कब? अभी कुछ देर पहले। चलो। वो रहा कृष्णा का घोड़ा, इसका मतलब कृष्णा भी अकेला होगा। चलो। गोली का जख्म, मगर उसे कैसे पता चला? पवन की वजह से। क्यों रे, जब मैंने तुझे एक जगह रुकने के लिए कहा था, एक जगह रुक नहीं सकता था क्या? एक जगह रुकने को कहा था तेरे को मैंने? नहीं कृष्णा। गोलियां लगने के बाद भी ये तुम्हें यहां तक ले आया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताता भी कैसे मेरे दोस्त? जिंदा इसे तड़पने नहीं दूंगा। हवा से बातें करने वाले पवन को मैं मजबूर और लाचार नहीं देख सकता। मैं इसे जिंदगी से आजाद कर दूंगा। अगर मैंने आजाद नहीं किया तो ये तड़पता रहेगा कि दर जंगली जानवर
इसे नोच खाएंगे। लोग मौत से डरते हैं, डरने की चीज तो जिंदगी है। यूं क्यों नहीं कहते कि हर काली रात के बाद एक नया सवेरा किरने फैलाए खड़ा रहता है? ख्यालों से अपने मन को बहलाया जा सकता है, जिंदगी को नहीं। कितनी
है सितम गई जिंदगी मैंने कहा कहो ना कमाल है कुछ कहना भी चाहती और कहती भी नहीं क्या बात क्या है बोलो ना मुझे शर्म आती है ना ऐसी कौन सी बात है याद है तुमने मुझे वो बात भी बता दी थी तब तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी अब तो हम पति पत्नी हैं इसीलिए तो इसीलिए अरे पगली पति पत्नी में पर्दा कैसा पर्दे ही से तो मोहब्बत और इज्जत बनी रहती है चल चल दादी अम्मा अब बता बात क्या है दादी अम्मा अभी नहीं सिर्फ माँ माँ गौरी गौरी सच ले बेटा एक रोटी नहीं नहीं माजी बस इसे खिलाइए माजी पेट भर के खिलाइए इसे नजर क्यों लगाते हो इतने दिनों बाद माजी क्या था खाने को मिला है खाने दो ले बेटी मैं तुझे रोक कब रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ कि और खा बहुत खा माजी से और खिलाइए क्योंकि अब ये अकेली जान नहीं है माजी सच हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है ले बेटी खा खूब पेट भर के खा माजी से घर का सारा काम करवाइएगा तभी ये ठीक रहेगी ये और आने वाला मुन्ना भी क्यों इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चाचा जी अब ये यहीं रहेगी मैं आता जाता रहूंगा ठीक है ना ठीक ही तो है मैंने रामायण में पढ़ा था कि जब लव और कुश सीता जी के कोख में थे तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया था बहुरानी तुम कहाँ सीता की बात कर रही हो वो तो घर से बनवास गई थी और तुम बनवास से घर आई हो वाले हैं अच्छा बहू रानी के दर्द शुरू हो गए तुम जाओ वैद्य को बुलाकर लाओ मैं इसे संभालती हूं मैं अभी लेकर आता भगवान हमारे घर की तरफ दो डाकू आ रहे हैं हाय राम बाबा ये वही डाकू हो गए जो हम लोग की तलाश में बाजी आप मुझे कहीं छुपा दीजिए आजा हिम्मत रख बेटी शाबाश घबरा मत बेटी वो सामने भूसे वाली कोठरी में वो कपड़ा उतार रहे वहां से बिछा दे आजा लेट जा बेटी छोड़ बेटा आवाज दे हिम्मत से काम ले बेटी ए बुड्ढे कौन है जी आप क्या चाहिए आपको अनजान मत बनो बुड्ढे कहाँ है वो छोरी अजी यहाँ कोई छोरी ना है यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं अच्छा
वो तेरा मुंह बोला बेटा और उसकी लुगाई। अजी भाई साहब, आपको गलती लग रही है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ। तू यूँ नहीं बताएगा भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई छोकरी नहीं है। बोल छोरी कहाँ? बोल छोरी कहाँ? मेरे घर में कोई नहीं यहाँ पे। नहीं बताएगा? अजी कोई नहीं है यहाँ। वहाँ कुछ नहीं है। हट, वो तो भूसे कोठे में है। हट जा। अरे तू ठीक है ना? हाँ कृष्णा, देख लड़का हुआ है, लड़का बिल्कुल फूल है। अरे मेरी बहू रानी कैसी है? कैसी है बेटा तू? चाचा जी। अरे लल्ला लल्ला लल्ला, अरे मेरा लल्ला बिल्कुल बाप पे गया है। चाचा जी, वो डाकू कहाँ है? अरे बेटा बेफिक्र है तू, वो अपने मुर्दा साथी की लाश को लेके भाग गया। हाँ अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। हा? आप पर ये मुसीबत मेरे कारण ही आई है, अब मुझे गौरी और बच्चे को लेकर जाना ही होगा। बेटा ऐसी हालत में अभी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए माँ जी, वो डाकू अपने साथी की लाश उठाकर ले गया है, देखते ही वो कंबक बिजली की तरह टूट पड़ेगा। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। कृष्णा, कृष्णा दादू, उसने बड़ी बेरहमी से इसे अपने पैरों से ही मार डाला। मैं बोलो, तू कैसे बच गए हो? मारे को खबर देने वास्ते बस रोना किस बात का? हाँ जंगली कीड़ा था, फेंक दिया। चलो बस अपने आप को संभालो गौरी, रोना किस बात का पकली? हाँ रोना किसी बात का नहीं, अपने आप पर आ रहा है। जब से ये पैदा हुआ है आए दिन सपने देखते रहते हो, साथ ही साथ रातों को उठ उठ कर कांपने लगते हो। कृष्णा मुझे बहुत डर लगता है। इतनी दिलेर होकर सपनों से डर जाती हो? नहीं, अपने मन से डरती हूँ। कृष्णा तुम जानते तो हो, हम लोगों ने सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी, दाता ने हमारी मुराद पूरी कर दी, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। सलाम करके धागा खोलने आज तक नहीं जा सके। तो अब चली जाना, दादा के दरबार में जाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं।
गौरी, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, फिर दरगाह पे चलते हैं। वो दूर जो गुंबद दिखाई दे रहा है ना, वही बाबा का दरबार है। ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ आकर मन में कुछ बेचैनी है। बेचैनी तो मेरे दिल में भी है, वो शायद इसलिए कि मैंने पहली बार तुमसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया है तुमने? तुमसे कहे बगैर मैंने बाबूजी को चिट्ठी लिख दी थी। ओ, तो तुम्हारे गुस्से की आग ठंडी हो गई। वो भी तो हमारे बाबूजी हैं, उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। गौरी, मैंने उन्हें लिखा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, कृष्णा, ताकि मेरे बाद कोई और कृष्णा ना हो, कोई और यतीम ना हो जिसके खून के रंग पर दुनिया छींटे उड़ाए। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? तुम हमारी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ लुटा दोगे? नहीं गौरी, सब कुछ लुटाकर मोहब्बत पाऊंगा। सब कुछ लुटाने आए हैं, तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं, तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं, तुझे जो पाल दिया थाने भाने आए हैं, तेरी निगाह पे सब कुछ लुटाने आए हैं। जफा से डरे न जिंदगी से डरे हम, न हम कदा से डरे, डरे अगर तो खुदा से डरे, खुदा है गवाह, हमें डराने जो आए जरा खुदा से डरे। फूल खिला है वफा के गुलशन में,
रोशन उजड़ ना जाए कहीं। हमारी दुनिया 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 हमारी दुनिया जो दुनिया ने लूट ली मिलकर मिलकर हाँ मिलकर वही लुटी हुई दुनिया बसाने आए हैं। ले आओ अंदर। चलो रुक क्यों गई, चलो ऊपर चलो। मैं ऊपर नहीं आऊंगी बाबूजी, कृष्णा के कमरे में ही रहूंगी। अब क्या रखा है उस कमरे में? बहुत कुछ, कुछ यादें, कुछ सपने, इसी बहाने उनके नजदीक तो रहूंगी। उसकी नजदीकी से जी नहीं भरा, घराने की लाख कटवा दी, उसका पाप गोद में लिए फिरती हो फिर भी उसकी नजदीकी मांगती हो। हत्यारे से बड़ा पापी वो है जो किसी मासूम को हत्यारा बनाता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आए दिन चली जाती है उस बदमाश से मिलने। बेचारे बाबूजी, उन्हें मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? गिरिवर, गिरिवर माथुर साहब, क्या चाहते हैं आप? भगवान तुम्हारा भला करे, वो भी आते ही होंगे, शायद आज कुछ देर हो गई उन्हें। जाओ, रुको, 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 उन्हें भी आ जाने दो, आज वासना का नंगा नाच हम भी देखें। जिसकी बलि वेदी पर हमारी दुनिया जलाकर राख कर दी गई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुली किताब की तरह है हमारे सामने। डाकू का बेटा, डाकू, गंदा खून, कृष्णा, ऐसी सती सावित्री की इज्जत लूटना चाहिए उसने। जी, 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 जी। उस वक्त उसे हम चांद से मार देते तो कितना अच्छा रहता। नहीं। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। क्योंकि तुम इंसान नहीं, पाप की एक मूरत हो। मर तो तुम उसी रोज गई थी जिस रोज मेरी आबरू पल्लू में बांध कर इस जगह ले आई। नहीं, नहीं।
देखना है मुझे। माफ करना जानेमन, जरा देर हो गई मुझे। अरे ऐसे भी क्या बेरुखी, क्या बात है, तुम तो मेरी इन बाहों से वाकिफ हो। अरे हमारी जिंदगी की आंखों में आंसू, किस कमबख्त ने आपका दिल दुखाया है। खेल खत्म हो गया गिरिवर, हमने तुम्हारी असली सूरत देख ली, अब ये सूरत दुनिया देखेगी, हम तुम्हें सबके सामने नंगा करेंगे। आप गिरिवर को जानते ही नहीं यादव। भगवान तुम्हारा भला करे, आस्तीन के सांप को कौन नहीं जानता। तुमने मेरी इज्जत में आग लगाई, मेरी दुनिया में आग लगाई। आप मुझे मारेंगे और अफसोस भी नहीं होगा। जानवर या कीड़े मकोड़ों को मारना कोई गुनाह नहीं। चलो गोली, रुक क्यों गए, चलो गोली। आप और मुझ में यही फर्क है, आप अभी इसे मरते हुए नहीं देख सकते और मैं देखते देखते इसकी गर्दन मरोड़ सकता हूं। पिस्तौल फेंक दो, फेंक दो पिस्तौल। गिरफ्तार कर लो यादव साहब को, इन्होंने अपनी बीवी का खून किया है इस पिस्तौल से। हुजूर आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या बक रहे हो, जाओ इसे कबाट में रख दो, इस पे यादव साहब की उंगलियों के निशान है। और आपके भी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, क्या सचमुच खून यादव साहब ने किया है? शायद तुमने ठीक तरह सुना नहीं जो हमने कहा, खून यादव साहब ने ही किया है। वो तो सब ठीक है हुजूर, पर वो खुद भी तो एक पुलिस ऑफिसर हैं। बहुत फर्क है कुरैशी, वो पुलिस ऑफिसर थे, हम पुलिस ऑफिसर हैं। समझ गया हुजूर। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो अपनी जुबान कभी भी नहीं खोलूंगा हुजूर, लेकिन एक जात ऐसी है जो बिना बताए जान जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? ईश्वर, अल्लाह, शायद नाम तो सुने ही होंगे हुजूर ने। अरे कुरैशी, गौरी हवेली पे नहीं है, कहाँ चली गई? जब से यादव साहब हवालात में हैं, तब से गौरी गांव छोड़कर रामचंद्र के यहाँ चली गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ समझे, खुदा करे कोई।
प्रसाद माथुर, अच्छा हुआ जो तुम खुद ही आ गए, वरना न जाने कहां कहां ढूंढना पड़ता तुम्हें। क्या बात है सर? कुछ खास बात नहीं, यू आर अंडर अरेस्ट मिसेस यादव के खून के इल्जाम में। इन्हें हथकड़ी पहनाओ। क्या बात है सर? मैंने बरसों से कानून और पुलिस की सेवा की है, अब कानून की खिलाफत नहीं करूंगा, खुद ही चलकर हवालात जाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे ये हथकड़ी न पहनाई जाए। ठीक है, इन्हें हथकड़ी मत पहनाओ, ले जाओ इन्हें। थैंक यू सर। गिरवर माथुर, आपकी रिवॉल्वर। यादव साहब, अब आप पर तो शक की गुंजाइश भी नहीं रही, क्योंकि असली मुजरिम का पता चल गया है। गिरिवर का आपको कैसे पता चला? हवलदार कुरेशी से, उस कमीने ने उसे भी गोली मार दी और खुद फरार हो गया। एसपी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे पेरोल पर छोड़ दीजिए, सिर्फ दो दिन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि दो दिन बाद मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा और गिरिवर को कानून की गिरफ्त में ले लूंगा। कृष्णा के वादे की तो मैं भी कसम दे सकता हूं एसपी साहब। ठीक है। गिरिवर प्रसाद माथुर, तेरे पाप तो इतने घिनौने हैं कि दया का सागर भगवान भी तुझे माफ करने से पहले दो बार सोचेगा। गिरिवर ने ना किसी से माफी मांगी है और ना अब तुमसे माफी मांगेगा। कमीने! नहीं, नहीं, मैं आपके हाथों खून नहीं देखूंगा, और वो भी इतना गंदा खून, इससे तो मुझे अपने हिसाब चुकाने हैं। नहीं कृष्णा, मेरी बात नहीं। कृष्णा, मैं निहत्था हूं कृष्णा, कर ले बार। Yeah.
तड़पा तड़पा के क्यों मार रहा है तू मुझे? चला गोली। मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, मैं तुझे भूखे गिद्ध और जंगली जानवरों के लिए छोड़कर जाऊंगा। मर का बच्चा तो गोली चला। कृष्णा, तेरा बाप डाकू था, डाकू के औलाद है तू, गोली चला। तू भी डाकू है, यतीम है तू। जब आगे भी मौत दिखे और पीछे भी मौत दिखे तो बड़े बड़े बादरा का हाथ पांव कोई ना उठे। हाँ, और तू तो बड़ा बादर है रे। सुना तन्ने मारे भाई को अपने हाथों से भी नहीं मारा, अपनी टांगा से ही मार दिया। मैं तन्ने अपने हाथों से नहीं मारा, घोड़े की टापा से मारा। हर टाप के साथ तारी चीख निकले और तुम्हारे भाई ने याद करे। अरे थारा कौन है? थारे बाप का खूनी या थारी लुगाई का बाप? पुरखिया, रिश्ता तो हमारा तुम्हारा भी बहुत पुराना है। तू खूनी और मैं जल्लाद। लो, अफसरी चली गई, अफसरी की बू नहीं गई। ले चलो इन्हें भी साथ। चलो। लौट जाओ गौरी, तुम्हें मेरी कसम, यहीं रहना, हम लौट कर जरूर आएंगे। लेकिन ये लोग तुम्हें? मेरी जिंदगी के लिए डर रही हो गौरी? अपनी मांग में पड़े सुहाग संदूर पर विश्वास नहीं? विश्वास की शक्ति कातिल के हाथों से कहीं बढ़कर होती है। मैं लौट के जरूर आऊंगा। गौर से देख लो यादव साहब, पुलिस वाले का अंत कैसे होता है। मैं बोलो, डाकू होता तो ऐसी मौत नहीं मरता। अब तो घोड़े की टापा से मरेगा तारा कृष्णा। जाने दे इसको।
ए यादव साहब, हेलो, रस्सी काटने के काम आवे। दादू, कृष्णा और यादव दोनों कहीं गायब हो गए। अरे जावेंगे कहा, यही कहीं खंडर के पीछे छपे होंगे। हाथों से तुम्हें यतीम बनाया था कृष्णा, तेरे बेटे को यतीम कैसे होने देता? भगवान तुम्हारा अलग जी, मैं उस वक्त यतीम नहीं हुआ था बाबा जी, आज हुआ हूं। मैं बदनसीब जो बाप के प्यार के बदले एक बार भी प्यार नहीं दे सका, और बाप को एक बार नहीं दो बार खो दिया। खंडरों का कोड़ा कोड़ा छाड़ मारो, वो कुत्ता जहां भी छिपा हो बाहर निकालो उसे। जाओ हुकम, तारे कार में नहीं पड़ा क्या? खड़ा क्या इधर, चल जा ढूंढ। अरे मैं बोल लो देख कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा।
बंदूक फेंक मारे बंदे। Oh!